प्राणधार धर्म प्रेमी सज्जनवृंद एवं मेरे समस्त प्यारे देशवासियों, आज कोरोना वायरस की वजह से संपूर्ण देश में लॉकडाउन लागू किया गया है और इस अवस्था में भी कुछ लोग नियमों का पालन ना करते हुए किसी न किसी तरह का बहाना बनाकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उन सबको विशेष रूप से ये बात समझनी चाहिए कि उनके स्वयं के शरीर पर तो उनका अधिकार है, लेकिन उनके माध्यम से अगर ये वायरस किसी दूसरे तक फैलता है और अगर दूसरे की मृत्यु होती है तो उसकी हत्या का जो पाप है वो भी उनके सिर पर आएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और सरकार के द्वारा दिए गए इस आदेश का पालन करने में कोई ये ना समझे कि मैं इस धर्म का हूँ, कोई ना समझे कि मैं इस विशेष पार्टी को मानता हूँ। धर्म, संप्रदाय, जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके आज संपूर्ण देश को एकजुट होकर के इस अवस्था से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आज सरकार ने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं, उनमें कमी निकालना तो बहुत ही आसान है, लेकिन दूसरे देशों के जो राजनेता है और यहाँ तक कि WHO ने भी भारत सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों की प्रशंसा की है और उसने भी यहाँ तक कहा है कि भारत ने जिस हिसाब से अपनी परिस्थिति पर काबू किया है वो प्रशंसा के लायक है, क्योंकि भारत का जो नंबर है वो स्वास्थ्य विभाग के अथवा स्वास्थ्य सुविधाओं के विभाग के हिसाब से 140 स्थान से भी नीचे आता है। और वहीं अगर हम आज इटली की परिस्थिति को देखें तो इटली तीसरे या चौथे स्थान पर आता है कि वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत उन्नत प्रकार की है, लेकिन वहाँ की उन्नत व्यवस्था होते हुए भी आज प्रतिदिन वहाँ पर 600-700 लोगों तक की मृत्यु हो रही है। और उसके बाद स्पेन जैसे विकसित देश में भी इसने पैर पसारने शुरू किए हैं। तो आज भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है लॉकडाउन का, उसकी वजह से अब तक इतने दिनों में कुल केवल 13 मृत्यु हुई है और 600 के लगभग इसमें बीमार हैं। और उसमें भी सरकार ने अपने तरफ से तो निर्णय सही ही लिया था, लेकिन हम लोगों ने, जनता ने जो लापरवाही की वही कारण रहा। और उसमें विशेष रूप से मैं श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन सभी डॉक्टर्स को और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को और साथ में देश के उन सभी नागरिकों को, चाहे वो सेना के जवान हो चाहे पुलिस हो, और इस लक्ष्य में, इस मिशन में साथ देने वाले जो प्रत्येक जनता है, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसी अवस्था में सबने धैर्य बना के रखा। स्वास्थ्यकर्मी दिन रात न कहते हुए अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं, सुरक्षाकर्मी भी सुरक्षा का विशेष इंतजाम कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। अवसर तो वैसे दुखद है, लेकिन समय दुखी होने का नहीं है। और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि इस संकट की घड़ी को हमें अवसर में कैसे बदलना है, अच्छे अवसर में, सुअवसर में कैसे बदलना है। हम अब तक ज्ञान न होने के कारण अथवा अध्यात्म में विशेष रुचि न होने के कारण अपना अधिक से अधिक समय भौतिक कार्यों में, भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे लगा रहे थे, केवल धनोपार्जन के लिए जी रहे थे, केवल सांसारिक सुखों का भोग करने के लिए जी रहे थे। लेकिन आज 2 महीने के अंदर अंदर परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हम ये विचार करने पर मजबूर हो गए हैं कि चाहे कोई बालक है, चाहे वृद्ध है, चाहे नौजवान है, चाहे वो शारीरिक दृष्टि से दुर्बल है अथवा शारीरिक दृष्टि से बलिष्ठ है, ये बीमारी रूप देख करके, रंग देख करके, जाति, वर्ण, वर्ग अथवा धन संपत्ति देख करके नहीं आ रही है, किसी को भी हो सकती है। मृत्यु समय देख करके अथवा सूचना दे करके नहीं आ रही है, ये तो तय हो चुका है। तो हम सबको अब ये मान करके चलना है कि केवल भौतिकता से कुछ भी उपलब्ध नहीं होने वाला है। आज सुनने में दुखद लग सकता है, लेकिन
अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी लग जाती है तो शरीर इतना ख़राब हो जाता है, स्वास्थ्य इतना ख़राब हो जाता है, और अगर मृत्यु आ जाए तो अगर उसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है, वो चाहे अगर किसी डॉक्टर को बोले कि मैं ये सारी संपत्ति तुझे दे देता हूँ और तू मुझे जीवित कर दे, नहीं कर सकता। इसीलिए हमें अपनी शरीर की और संसार की नश्वरता को, क्षणभंगुरता को स्वीकार करना होगा और अधिक से अधिक समय भौतिकता से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक दिशा में अपने आप को लगाना होगा। और उसके लिए हम आध्यात्मिक ग्रंथों को, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, उस पर दिए गए निर्देशों का पालन करें कि किस तरह से हमें परमात्मा की पहचान करनी है, किस तरह से उसको प्राप्त करना है, ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से कैसे उसको जानना है। और जितने भी सुंदर साथ जो पहले से ही निजानंद दर्शन से जुड़े हुए हैं, जिनको परमात्मा की पहचान है, उन सभी के लिए भी विशेष रूप से ये आग्रह है कि अपने घरों में बैठ करके ये जो अवसर मिला है, इस अवसर को हाथ से जाने न दें। अधिक से अधिक समय हम चितवनी में गुजारें, अधिक से अधिक समय हम वाणी पाठ करने में, वाणी पढ़ने में, और पाठ करने का मतलब सिर्फ औपचारिकता पूरा करने में नहीं, उसको समझते हुए पढ़ने में गुजारें। वाणी की टीकाएँ उपलब्ध है तो टीकाओं को पढ़ करके हम सब इस चीज़ को समझें, और टीकाओं के साथ में जितनी भी चर्चाएं हैं, चर्चा हम सुने, और बहुत सारे विद्वान हैं हमारे समाज में, उनकी चर्चाओं में वाणी के गहन रहस्य को खोला गया है, उन रहस्यों को हम स्वयं भी समझें। घर में बैठे हुए अगर हम सेवा करना चाहते हैं तो भी अभी भौतिक रूप से सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, अभी आर्थिक रूप से भी सेवा करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आर्थिक रूप से आप सेवा करने में सक्षम हैं तो आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दैनिक काम करके दिहाड़ी पर अपना गुजारा कर रहे थे, तो आप अपने आसपास के क्षेत्र में अगर कोई ऐसा ज़रूरतमंद व्यक्ति देखें कि इसको आवश्यकता है धन की अथवा भोजन की आवश्यकता है, तो उसको आप भोजन की सेवा दें, आप उसको उसकी आवश्यकता पूरी करने में मदद करें, क्योंकि आप सिर्फ किसी विशेष तीर्थ स्थान में, किसी मंदिर में जा कर के दान दें, वो धर्म नहीं है। उसका अपना महत्व है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण जो धर्म है अथवा दान है वो यह है कि आज जैसी अवस्था बनी है, ऐसी अवस्था में जो आवश्यक लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उन तक आप धन की सेवा कर सकते हैं। आप अगर ज्ञान की सेवा करना चाहें तो ज्ञान के प्रचार में भी आप घर में बैठे हुए विभिन्न चैनल हैं जिसमें आध्यात्मिक प्रवचन इत्यादि उपलब्ध है, बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे प्रवक्ता हैं जिनकी चर्चाएं आती है, उन चैनल्स को आप घर में बैठ करके देखें, क्योंकि 2400 घंटे आप घर में अगर केवल पड़े रहेंगे, फ़ोन ही चलाते रहेंगे या फिर घर वालों से ही बात करते रहेंगे, ये भी संभव नहीं है, आप एक दिन या दो दिन में उब जाएंगे। इससे अच्छा यह है कि समय का आप सदुपयोग करें, और समय का सदुपयोग करने के लिए कुछ उपाय ऐसे हैं जैसे आप चितवनी करेंगे, दिन का अगर 2 घंटा भी करते हैं तो भी आपके पास और भी बहुत सारा पर्याप्त समय मिलता है। आप वाणी की चर्चा सुने, जितने भी प्रवक्ता हैं उनकी चर्चा है, आज YouTube चैनल पे उपलब्ध है, चाहे वो SPJIN चैनल हो, चाहे इसके अलावा भी बहुत सारे चैनल हैं जिसपे वाणी की चर्चा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त आप घरों में बैठ करके आध्यात्मिक साहित्य पढ़ सकते हैं, वाणी की टीकाएँ पढ़ सकते हैं, और इसके बाद जैसे जैसे परिस्थिति सामान्य होती जाएगी, आपने अगर ये ज्ञान लिया है, मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों के हिसाब से 21 दिन में अगर कोई काम हम लगातार 21 दिन तक करते हैं तो वो आदत बन जाती है, और अगर हम एक ये अच्छी आदत डालते हैं प्रतिदिन वाणी पढ़ने की, प्रतिदिन चितवनी करने की, तो ये आदत हमारी हमेशा के लिए बनी रहेगी, और इसके बाद भी आपको इस चीज़ में समस्या नहीं होगी, और आप बहाना भी नहीं बना पाएंगे बाद में कि हमारे पास समय नहीं है। आप अपने आप समय निकालेंगे जो कि आपके स्वयं के लिए अच्छा है, क्योंकि केवल भौतिकता के लिए जी करके तो आप देख रहे हैं कि भौतिक सुख संपत्ति सभी यहीं रह जाने वाली है, धरी की धरी रह गई हैं, पूरा का पूरा शहर खाली हो रहा है। मैं आपको डराने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सावधान ज़रूर कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो, राजी ना करें कि ऐसी अवस्था आए, लेकिन इसके लिए तो हमें स्वयं भी अपने तरफ से तो तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये जो दुखद घड़ी है वो बता करके अथवा जता करके नहीं आने वाली, कभी भी ऐसा अवसर आ सकता है। तो जहाँ से हम आए हैं वहाँ जाने से पहले
अपना जो बही खाता है वो क्लियर रखें, अपने कर्मों का जो बही खाता है वो साफ रखें, अपने कर्मों के बही खाते में हम अच्छे अच्छे क्रेडिट जो हैं वो जोड़ते जाएं और अपने इस मनुष्यतन को सफल बनाएं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और सबको ये शुभकामना देता हूं कि परमात्मा इस दुखद घड़ी को सहन करने की शक्ति दें। प्रणाम।